आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, थाना इत्मादुल्ला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गौकशी के मामले में हिंदूवादी नेताओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, षड्यंत्र के तहत गौकशी की घटना को कारित करवाने पर हत्थे चढ़े हिंदूवादी नेता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत गौकशी की घटना को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे ये हिंदूवादी नेता, जिन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने संजय जाट, सौरभ शर्मा, ब्रजेश भदौरिया व जितेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 दिन पूर्व थाना क्षेत्र के सुशील नगर में गौकशों ने गाय की हत्या कर डाली थी और गौकशी के मामले में यानी कि गौ हत्या के मामले में ये अन्य समुदाय को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है गौकशी के विरुद्ध में। हिंदूवादी नेता ने थाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर हिंदूवादी नेताओं पर की बड़ी कार्रवाई। 29/30 की मध्य रात्रि को पुलिस सूचना मिली कि क्षेत्र में गौकशी हुई है। तत्काल मौके पहुंची और सैंपल के फसल भेज और वहाँ पे सुकरता उनके द्वारा गए तहरीर मुकदमे के लिए। उन्होंने पांवों को नामजद था और इस इना की विवाह में जो पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए, इससे एफआईआर था कि साजिश कुछ पता चलने। पुलिस ने नामजद थे उनको भी वे किया, उनके लोग को भी वे किया और फुटेज प्राप्त हुए। उसके आधार पर मामला कुछ उलट ही था। जो लोग एफआईआर करा रहे थे वही इसमें सर थे और जो घटना वाले लोग उसको पुलिस ने कुछ दिन गिरफ्तार किया और उन्होंने अपने बयान में सनसनीखेज खुलासा किया कि इसमें और भी लोग थे। उसी के क्रम आज कल 4 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि इस घटना को कराने में परोक्ष रूप से शामिल थे। पीछे ये पूरे इसके साजिशकर्ता थे। जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है संजय सिंह और संजय जाट पुत्र लक्ष्मण सिंह, ये सदर बाजार आगरा का रहने वाला है। जितेंद्र कुशवाहा जो कि मुकदमावादी है, पुत्र ओम प्रकाश निवासी इत्मादौला का रहने वाला है। अभियुक्त ब्रजेश भदौरिया पुत्र राम सिंह भदौरिया, ये देवरी रोड सदर बाजार का रहने वाला है। अभियुक्त सौरभ शर्मा पुत्र मनोज शर्मा, ये जगदीशपुरा का रहने वाला है। तो इन लोगों ने इस घटना की साजिश रची थी और जो लोग गोकशी किए थे उनसे ये करवाई थी ताकि इनका जो लोग को नामजद किया था उनसे इनका अपना रंजिश का मामला था, उस मामले को साधने के लिए इन लोगों ने ये कार्य किया था। लेकिन पुलिस ने इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष विवेचना करते हुए दूध का दूध पानी का पानी दोनों अलग कर दिया और जो असली साजिशकर्ता और असली गोकशी करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पूर्व में भी इन आरोपियों पे ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से साजिश करके अलग कर दिया और जो असली साजिशकर्ता और असली गोकशी करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।